नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा और आज हम बात करेंगे लिवर कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में। तो लिवर कैंसर को कैसे डायग्नोस किया जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, लिवर कैंसर जो है ये सिक्स्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है इंसान के शरीर में। दैट मींस इट्स द सिक्स्थ मोस्ट कैंसर अकरिंग इन द ह्यूमन बॉडी आउट ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। लेकिन जब हम इसकी सिवियरिटी की बात करते हैं तो ये थर्ड मोस्ट कैंसर है। मतलब कि जितने भी डेथ होते हैं कैंसर रिलेटेड, उनमें से ये थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज बन जाता है लिवर कैंसर। तो जाहिर है कि ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिवर कैंसर को कैसे डायग्नोज किया जाता है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो आपको नहीं पता होगी मेरे ख्याल से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कैसे करते हैं लिवर कैंसर का डायग्नोसिस? तो स्क्रीनिंग के लिए जो है दो टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। जो पहला होता है उसको एक अल्ट्रासाउंड कहते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड, जिसमें लिवर को चेक किया जाता है। उसमें अगर कोई गांठ होती है लिवर में या कोई ट्यूमर टाइप का होता है लिवर में, तो वो अल्ट्रासाउंड पे पिकअप हो सकता है और फिर उसको सस्पिशियस मानते हैं कि ये लिवर कैंसर हो सकता है। फिर उसके आगे उसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। जो दूसरा टेस्ट होता है वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको अल्फा फीटोप्रोटीन कहा गया है। ये अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल जो है ये ट्यूमर मार्कर होता है, और ये ट्यूमर मार्कर हमें बताता है कि लिवर कैंसर है या नहीं शरीर में। तो ये दोनों टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं स्क्रीन करने के लिए, मतलब कि जांच करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन ये कन्फर्मेटरी नहीं होते हैं। इसका मतलब इन टेस्ट पे आप ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि लिवर कैंसर है, उसके लिए आपको फर्दर टेस्ट करना पड़ेगा। तो जो फर्दर टेस्ट करते हैं वो दो जो टेस्ट होते हैं वो सीटी स्कैन होता है और एमआरआई होता है। तो जो सीटी स्कैन होता है उसको ट्रिपल फेज सीटी स्कैन कहा जाता है। इसका मतलब सीटी को तीन फेज में किया जाता है। एक नॉन कॉन्ट्रास्ट फेज होता है, एक आर्टेरियल फेज होता है, एक पोर्टल फेज होता है और एक डिलेड वीनस फेज होता है। इसमें तीन बार पेशेंट को सीटी मशीन के थ्रू घुमाया जाता है, और इन तीनों फेजेस पे जो वो ट्यूमर की जो कैरेक्टरिस्टिक आती है या जो गांठ की कैरेक्टरिस्टिक आती है, उसके बेसिस पे फिर लिवर कैंसर को डायग्नोज किया जाता है। और ऐसा ही टेस्ट एमआरआई में होता है जिसमें कॉन्ट्रास्ट देके लिवर को जांचा जाता है, और इससे पता चलता है, इससे कंफर्म होता है कि लिवर कैंसर है या नहीं। तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में अल्ट्रासाउंड या एएफपी पे अगर हमें डाउट लगा तो फिर हम फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं जिसको सीसीटी ट्रिपल फेज कहा जाता है या एमआरआई स्कैन कहा जाता है। इन दोनों में से भी अगर डाउट रहता है तो फिर हम एक थर्ड टेस्ट करते हैं जिसको कहा जाता है लिवर बायोप्सी। तो अल्ट्रासाउंड में हम वो गांठ देखते हैं, वो गांठ कहाँ पे है, उसके अंदर एक नीडल डाली जाती है, उस नीडल से उस गांठ का टिश्यू सैंपल निकाला जाता है और फिर उस टिश्यू सैंपल को टेस्ट किया जाता है, और इसके बेसिस पे फिर लिवर कैंसर को कंफर्म किया जाता है। लेकिन ये आज की डेट में ये टेस्ट जो है, जो सीटी स्कैन है और ये एमआरआई है, इतने अच्छे और इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि 95% पेशेंट्स में हमें लिवर बायोप्सी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बस सीटी स्कैन या एमआरआई के बेसिस पे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये लिवर कैंसर है या नहीं है। तो लिवर बायोप्सी करने की जरूरत बहुत कम लोगों में पड़ती है। तो जो लिवर डायग्नोसिस है, जो लिवर कैंसर का डायग्नोसिस है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। जो पहले स्क्रीनिंग होती है जिसमें अल्ट्रासाउंड स्कैन और अल्फा फीटोप्रोटीन किया जाता है, फिर उसके बाद सीटी स्कैन और एमआरआई किया जाता है, और अगर इन सब पे भी डाउट रहता है तो फिर लिवर बायोप्सी का इस्तेमाल किया जाता है लिवर कैंसर डायग्नोस करने के लिए। और यही एक इंटरेस्टिंग बात है कि आज की डेट में लिवर बायोप्सी की जरूरत कैंसर डायग्नोस करने के लिए बहुत कम केसेस में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।